Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हो अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि आप और आपके घर वाले सदा सलामत रहें और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके सर पे आपके माँ बाप का साया हमेशा से रहे। अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो ठीक है, मगर बेल आइकन पर एक मरतबा क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। शुक्रिया। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जुनूबी अफ्रीकन टी20 क्रिकेट लीग में आसिफ अली की जारियाना बैटिंग की बदौलत केप टाउन बिल्टेज ने डरबन हेड को 3 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। फातह टीम ने 158 रन का हदफ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 7 विकेटों पर पूरा किया। 83 के स्कोर पर 5 विकेटें गिरने के बाद आसिफ अली ने जारियाना अंदाज अपनाते हुए हरीफ बॉलर का बरकस निकाल दिया। उन्होंने 33 गेंदों पर 5 चक्कों और 7 चौकों की मदद से 80 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर टीम को फतह दिलाई और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इतवार को डरबन में खेले गए तीसरे मैच में डरबन हेड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेटों पर 157 रन बनाए। जोंडो 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान एल्बे मोरकर 45 रन बनाकर दूसरे नुमाया बल्लेबाज रहे। इनरिच ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में केप टाउन ब्रिटिश ने मतलूबा हदफ 19.1 ओवर में 7 विकेटों पर हासिल किया। 83 रन पर 5 विकेटें कोने के बाद आसिफ अली ने मैदान संभाला। उन्होंने मुश्किल वक्त में जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए हरीफ बॉलर की खूब दुलाई की और 80 रन की इनिंग खेलकर हरीफ टीम के मुंह से फतह का नवाला छीन लिया। केशव महाराज ने 3 और मर्चेंट डी लांग ने 2 विकेटें हासिल की। तो दोस्तों ये थी जुनूबी अफ्रीकन क्रिकेट लीग में आसिफ अली की शानदार बैटिंग के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। मेरी न्यू वीडियो आने तक अपने घर वालों का, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सदा सलामत रहे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।